हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटी सी जो है क्लिप्स कई कई जगह की। ये है सप्तमी वाले दिन की। तो सप्तमी वाले दिन हम लोग गए थे अपनी मम्मी के यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, किस वजह से वो गए थे, हमारे जो ताया जी हैं उनके घर में था बसेरा। बसेरा आपको बता दूँ एक जागरण की तरह होता है, तो वहाँ गए थे। तो ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो एंट्री करते ही अपनी मम्मी को मिली मैं और मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, वो सब शूट कर रहे थे। थोड़ा यहाँ पे हमने गप्पे शप्पे मारने शुरू कर दी। तो हम लोग बैठ के बातें ही कर रहे थे और बस हाल चाल पूछा। थोड़ी देर के लिए ही गए थे हम लोग और हम लोगों ने वहाँ पे खाना भी नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे बनता लहसुन प्याज का खाना। तो हम लोगों ने लहसुन प्याज नहीं खाना था, तो इस वजह से मैं अपना खाना होटल लेकर आ गई थी, यानी कि मैं अपनी सब्जी ले आई थी और जो फुलके या जो भी कह लो जो चावल फुलका था हमने वहीं से ले लिया था। तो ये हम जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने माथा टेकना था। तो हम उनके घर गए, अपने ताया जी के घर में, हमारे साथ साथ में ही घर हैं। तो वहाँ गए, तो आप लोगों को अगर बसेरा पता हो, उनका पीर जी का पता हो तो उसका होता है बसेरा, तो वहाँ से हम जल्दी आ गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने जो अष्टमी का जो है पूजा करनी थी, तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है पूजा की। इस टाइम मैंने चने वगैरह पूरी वगैरह बना ली थी, हलवा पूरी वगैरह। तो ये पूजा के टाइम की है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ी देर में जो है मैंने जो भी जो खाना बनाया है उसकी रेसिपी दूंगी थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी व्रत वाले चने, यानी कि जो पूजा के टाइम पे चने, अष्टमी के टाइम पे जो कंजका के लिए चने बनाने हैं, तो वो बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, तेल गरम करके उसमें जीरा डाल दिया और जीरा डालने के बाद मैंने पीस टमाटर और हरी मिर्च को पीस लिया था, तो वो पीस कर वो डाल दिया है। इसमें लहसुन अदरक, लहसुन प्याज नहीं डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं पर मैंने अदरक नहीं डाला था। तो जब मेरा ये टमाटर पीस के जो हमने डाला है वो फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से, मसाला भुन जाएगा, तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैंने जो चने थे वो उबाल लिए थे और उबले हुए चनों को मैं इसमें डाल दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से जो है मसाले में फ्राई कर लूंगी। तो चने की रेसिपी बहुत ही आसान है, ये सभी को आती है, सभी कंजका वाले दिनों में बनाते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर की है बस। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो चने बनकर रेडी हैं, इसमें मैंने धनिया डाल दिया और ये बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगी हलवा। हलवा मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ हलवे की रेसिपी, तो फिर भी आप फटाफट मैंने बना दिया था हलवा। तो मैंने हलवा भी बना दिया था और उसके बाद मैंने पूरियां बनाई। पूरी की मैंने अपना रेसिपी दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। और इसके बाद जो है हमारे घर में कंजका आ चुकी थी, तो कंजका का जो पैर धोना होता है या मोली बांधना होता है वो सभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ही, उनसे ही मैंने करवाया था, तो उन्होंने पहले पैर धोए कंजकाओं के और जो है टीका और मोली बांधनी होती है तो वो किया। कंजका इन दिनों में बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी पकड़ पकड़ कर लानी पड़ती हैं कंजकाओं को, तो हमें कितनी कंजकाएँ मिली थी, हमें 8 कंजकाएँ मिली थी
और नोवा जो होता है लड़का उसको बिठाया था, तो बेटा मेरा बैठ गया था, मुझे कोई बच्चा मिल नहीं रहा था। और तो एक बेटी, एक जो कंचका थी उसको घर में वो आ नहीं पाई थी, तो उसकी घर पे ही पहुंचा दी थी हम लोगों ने। तो कंचका मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है इन दिनों में, तो क्योंकि कंचका की सभी को ज़रूरत होती है, तो बच्चों को मतलब अपने अपने घरों से ले जाते हैं, चलो हमारे घर चलो, चलो हमारे घर चलो। तो इनके लिए हमें बहुत वेट करनी पड़ी, और इसके बाद इन्होंने सारा कुछ कर दिया था। तो उसके बाद मैंने जो है प्लेट दी, प्लेट के बाद मैंने इसमें हलवा डाला सबको, और हलवा डाल दिया। और उसके बाद मैंने डाला इसमें वही जो सभी चीज़ें बनाई हुई थी तो वो डाल दी थी। तो कंचका तो जितनी आए उतनी अच्छी होती हैं वैसे। मैं चने पूरी वगैरह डाल रही थी, तो मेरी बेटी साथ साथ में ही जो नारियल है वो देने के लिए कर रही थी कि मैं भी दूंगी, तो वो नारियल दे रही थी, और उसको बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। तो मेरी बेटी ने फ्रूटी जो ये है, चिप्स है, फ्रूटी है, ये दिया। और बच्चे ये चीज़ें ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। चने पूरी तो मतलब एक वो ही हो गया कि नहीं खा, मतलब नाम का होता है कि चलो हाँ, पर ये तो माता रानी का होता ही है। पर बच्चे आजकल चिप्स, चॉकलेट, ये सब चीज़ें मतलब जो गिफ्ट्स होते हैं वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों को जो अच्छा लगे वो देना चाहिए, तो ये सब दे दिया था। उसके बाद मैंने लिया कंचकाओं से सभी से आशीर्वाद। और कंचकाओं का यही होता है कि जितना मतलब आप उनके उनको खुश कर सको उतना मतलब अच्छा आशीर्वाद मिलता है। तो इसी तरह से मैंने अपनी जो कंचकाएं हैं वो की हैं। तो आज का मेरा ये छोटा सा जो है व्लॉग या माता रानी की जो कंचकाओं का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो जय माता दी।